सब्सक्राइब कीजिए सबसे के जाने चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और पाइए सारी लेटेस्ट वीडियो टेक्नोलॉजी की। ये चैनल बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, आप सभी का सबसे के जाने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप फ्लिपकार्ट पर एफिलिएट अकाउंट खोलने की सोच रहे थे तो आपने देरी कर दी, क्योंकि फ्लिपकार्ट की तरफ से एक खबर आई है कि वो अब फ्लिपकार्ट पर न्यू एफिलिएट अकाउंट जो भी बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा ही न्यू यूज़र आ रहे थे तो वो कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है affiliateflipkart.com, तो सबसे ऊपर ये लिंक आता है फ्लिपकार्ट एफिलेट प्रोग्राम, इसके अंदर आपको जाना होता है। जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है लॉगिन। लॉगिन वो कर सकते हैं जिनका पहले से अकाउंट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ फ्री, ये उनके लिए होता है जो पहली बार फ्लिपकार्ट पे एफिलेट अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो जैसे इस पे आप जाओगे ज्वाइन करने के लिए तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको साफ साफ मैसेज दिख रहा होगा वी आर करेंटली पॉज न्यू एफिलेट रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब इन्होंने जो भी नए रजिस्ट्रेशन थे एफिलेट अकाउंट के वो अभी रोक दिए। फिलहाल 1 सितंबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक के बीच में अब ये नए अकाउंट नहीं बनेंगे। तो 31 अक्टूबर तो अभी पूरा ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 दिन यानी 50 दिन का लॉस सीधा सीधा आपको होता है अगर आप इसके ऊपर काम करने की सोच रहे थे। और जिन्होंने पहले बना लिया उनके लिए तो कोई बुरी खबर है ही नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते थे या फिर अपना अकाउंट खोलना चाहते तो अब आपको 31 अक्टूबर के बाद ही कुछ कर पाओगे इसके ऊपर। तो जिन्होंने पहले बना लिए उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया था, जो सोच रहे थे आजकल में बनाने के लिए उनके लिए बैड न्यूज़ आई। रजिस्ट्रेशन को रोकने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वैसे ही सबसे ज़्यादा सेल होती है इनकी बिना किसी एफिलेट की मदद से, क्योंकि इसके बीच में दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो इन दिनों में इनकी सेल वैसे ही ज़्यादा होती है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने जो नए रजिस्ट्रेशन थे वो रोक दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनको भी हम कमीशन दें क्योंकि हमारी बिक्री तो वैसे ही हो जाएगी। तो ये सब चीज़ देखते हुए इन्होंने ये चीज़ें करी है, और इससे जो नए यूज़र दिवाली पर एफिलिएट अकाउंट बनाकर कमाना चाहते थे, अपने लिंक शेयर करना चाहते थे और कमीशन बनाना चाहते थे, उनके लिए बैड न्यूज़ आई है। तो घुमा फिरा के हम सारा कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर ये कदम उठाया है और अपने जो कमीशन के पैसे दूसरों को देने पड़ते थे वो बचा लिए हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद सीजन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ये चाहेगा कि हमारे प्रोडक्ट आपके द्वारा बिकवाए जाए। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी वीडियो मैं आपको ला के देते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।